प्राथमिक विद्यालयों पर गांव का नाम गलत दर्ज हो जाने पर ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। काट थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर के प्राथमिक विद्यालय तथा इसी के समीप राज्यपुर खादर के प्राथमिक विद्यालय पर दोनों ही गांव के नाम गलत दर्ज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बुधवार को ग्रामीणों ने काट तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा वहीं उप जिलाधिकारी व जिलाधिकारी के नाम लिखित ज्ञापन तहसीलदार विभा श्रीवास्तव को सौंपा। आपको बता दें कि काट से 7 किलोमीटर उत्तर की दिशा में गोपालपुर गाँव स्थित है, जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय भी बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उक्त गाँव से 0.5 किलोमीटर दूरी पर राजीवपुर खादर गाँव स्थित है और एक प्राथमिक विद्यालय इसी गाँव में बना हुआ है। लेकिन गाँव वालों को समस्या इस बात की है कि जो गोपालपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय है उस पर राजीवपुर खादर का नाम अंकित हो गया है और राजीवपुर खादर के प्राथमिक विद्यालय पर गोपालपुर का नाम अंकित हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बताइए आप बताइए, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम दयाराम सैनी। कहाँ से हैं? ग्राम पंचायत बहादुर खतर से। अच्छा, हमारा गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है उस पर गोपालपुर लिखो है जी, वो हटकर केवल ग्राम पंचायत बहादुर खतर के नाम से ही होना चाहिए। और नेट पे जाना चाहिए, नेट पर नहीं। ऑनलाइन नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन कराने के लिए आप लोग आए हैं? अच्छा, कब से, कितने समय से वो लिखा है? 2010 के आसपास से, मतलब 2010 के बाद। अच्छा, उसमें बच्चों का भी जो है आपको समस्या है और भी बहुत समस्या आ रही है उसमें। अच्छा, ठीक है। आपने एडीएम साहब मिल गए आपको? अच्छा, तो अब उनको जो है अभी विज्ञप्ति भी नहीं दी है, उनको देने के बाद आप लोग जाएंगे? जी जी। अच्छा, कितने लोग आए आज आपने? 250-300 गांव आदमी होंगे, पूरा लगभग सारा ही गांव मान के चलो। अच्छा, पूरा गांव आया है? ठीक है। गांव ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज है या नहीं है बताओ? नहीं है। अच्छा, वो दर्ज होता है। पहले तो अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सोमपाल सिंह सैनी, ग्राम पंचायत बहादुर खदर का स्थायी निवासी हूँ। अब मामला क्या? शिकायत ये है कि हमारा गांव अभिलेखों में दर्ज नहीं है। ठीक है, वह दर्ज हो जाना चाहिए। अच्छा, अभिलेखों में नहीं है? जी जी। तो नेट पर, मतलब नेट पर जो है परिसीमन हुआ उसमें दर्ज नहीं है। तो ये जो आपके पास ये जो है विज्ञप्ति है जी जी, तो किस अधिकारी को आप देने के? ये एसडीएम साहब को देना चाहते हैं हम जी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या लिखा आपने? शिकायत यही है कि हमारा गांव और एक स्कूल का की समस्या है। स्कूल की? स्कूल हमारे गांव में बना हुआ है लेकिन उसका नाम बदला हुआ है। क्या? गांव गोपालपुर आ रहा है जबकि वो प्राथमिक विद्यालय बहादुर खद्दर की उस सीमा में बना हुआ है। हाँ। हमारी सरजमी में बना हुआ है लेकिन उस पर गोपालपुर खद्दर लिखा हुआ है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे गाँव का नाम दर्ज होना चाहिए, यानी बहादुर खद्दर दर्ज होना चाहिए। तो इसमें लिखने में किसकी चूक मानते हैं, किस से गलती हुई होगी? सर ये तो अधिकारियों की भूल होगी साहब, इतनी तो जानकारी हमें नहीं, लेकिन किसी ना किसी की भूल हुई है। अच्छा, उस नाम से लिखने में कोई आपको समस्या है क्या? नहीं, वो तो आप गैराबाद गांव है सर, गोपालपुर तो गैराबाद ढह चुका है। अच्छा, बाढ़ में सन 2010 में ढह के अलग पहुंच गया, दूसरी पंचायत में दर्ज हो चुका है। अच्छा, और उसी का नाम फिर भी दर्ज हो रहा है हमारे गांव में। अच्छा, हम बहादुरपुर की जमीन है। ये है सर समस्या, ये है। हम तो सभी अधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा जो भी गड़बड़ मामला है सही हो जाना चाहिए। सही हो जाना चाहिए बस।